देखें ये देखें, ये चक्कर होता है दोस्तों, इस वजह से ना मैं भाग कर आया था, पर अभी सामने हो गया आप लोगों के। तो बाकी भाई अब जो है ना, मैं अपने सुल्तान को खोलने वाला हूँ। और ओ भाई, ये तो कुड़क हो गया अभी से। ये देखें दोस्तों, चलो भाई, क्या मसला है यार, वे क्या मसला है तुम्हें, हैं चीखते क्यों इतना ज्यादा, चीखता मैं इसकी वजह भागते हैं। ये देखें आप डांस करना शुरू, इनकी शुरू फौरन मस्तियां शुरू इसकी। हमने इसको जब से इस मुर्गी के साथ दोस्तों बंद करा ना, ये उसको बहुत मारता है, उसकी चीखने की तेज आवाज आती है, जिस वजह से ये सारे के सारे ना चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, हमारे जितने मुर्गे मुर्गियाँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यार दोस्तों, हमारे इस मुर्गे ने ना, छोटा चेतन ने, इसने हमारा दिमाग ख़राब कर रखा है। इसको हमने मुर्गी क्या डाल दी है इसके साथ, ये वाली, ये ना उसको बहुत मारता है और चीखता ना, इस वजह से सारे चीखने लग जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। तो खैर से यार, अभी जो है दोस्तों, छत पे आया हूँ और आज मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, क्योंकि तकरीबन 5:15 हो रहे हैं और 6:15 पे मगरिब हो जाएगी, सिर्फ हमारे पास 1 घंटा है। तो मैं जल्दी से सारों को दाना पानी करते हैं, इनको मैं कर गया था कबूतर वगैरह को, जल्दी जल्दी मैं काम से गया था। पर खैर, पहले स्टार्ट करते हैं यार, खोल लूँ फिर मैं बताता हूँ आज तुम लोगों को एक चीज़, आज दिखाता हूँ डायरेक्ट। तो यार मैंने जो है दोस्तों, दाना जो है वो निकाल लिया है, एक ये वाला है और एक ये वाला। ये दाना यार कल बच गया था, तो मैंने इसको वहाँ पे रख दिया था, पर इसके अंदर इतनी ज़्यादा चोटियाँ हैं कि क्या बताऊँ। असल में चोटियाँ दोस्तों सीन ये हो रहा है कि हमारे सारे दाने में आ रही हैं, ऊपर जो पड़ा हुआ है ना उसके अंदर भी चोटियाँ बड़ी बड़ी हैं, क्योंकि सर्दियों का मौसम आने वाला है, सीज़न स्टार्ट होगा, तो ये अपनी जगह बनाती है अंदर, और उस वजह से ना ये, मतलब बोलते हैं ना कि सामान जमा करना शुरू कर देती हैं एक तरीके से, कि हमारी सर्दी कट जाए, सर्दी गुजर जाए खाने पीने की, फिर ये मार्च में बाहर आती हैं कहीं जाके, मार्च या अप्रैल में। तो खैर ऐसा होता है इनका चक्कर भाई, ये जमा करती हैं, तो इस वजह से हमारे दाने पे हमला हुआ हुआ। खैर से भाई, ये भी भिगो दिया मैंने, इसको हम लेके चल के रखते हैं भाई यहाँ पे, और अब खोल देते हैं हम अपनी ब्राउनी को। सबसे पहले ब्राउनी आएगा, चलो भाई ब्राउनी और उसकी माँ, चलो भाई जाओ। तो यार इसको मैंने अलग करने का बोला था, पर अभी तक नहीं करा है, क्योंकि यार मैंने आप लोगों को बताया था मेरी तबीयत सेट नहीं रह रही है, और मैं 3 दिन फिर गायब हो गया था, 3 दिन बाद ये ब्लॉग आ रहा है, आप लोग देख रहे होंगे, लग जा भाई मुसीबत अंदर नहीं जा रही है। तो 3 दिन बाद मेरा ब्लॉग आ रहा है दोस्तों ये, और वजह यही थी दोस्तों, मैंने बताया था मुझे टाइफाइड हो गया था, उस वजह से मैं आ नहीं पाया था, पहले 10 दिन मेरे पूरे गए, उसके बाद जब मैंने एक वीडियो बनाई ये 3 दिन पहले, तो उसमें मैं काफ़ी बेहतर फील कर रहा था, पर मैंने बहुत ज़्यादा फिर से काम करना शुरू करा ना, तो उस वजह से थोड़ा सा वीकनेस हो गई थी, तो उस वजह से डॉक्टर ने बोला कि आप करो पर हल्का काम करो, तो उस वजह से ये देखें ये चक्कर होता है दोस्तों, इस वजह से ना मैं भाग कर आया था, ऊपर अभी सामने हो गया आप लोगों के। तो ये करता है छोटा चेतन शरार। खैर से यार, ये खा वाले हैं, फिर मैं तुम लोगों को आज एक गुड न्यूज़ देता हूँ, बहुत प्यारी सी दिखाता हूँ। तो ये लो भाई, दाना ले आए हैं दोस्तों हम जो है अपनी खूबसूरत मुर्गी के लिए। तो यार खूबसूरत मुर्गी भी ना अभी तक अकेली है हमारी, इसके साथ हमें कोई लगाने को मिल नहीं रहा, कोई मुर्गा मेल हो, हमारे पास मुर्गे बहुत सारे हो गए, तो मैं सोचा था इसके साथ ना ये कुछ जवान हो गए मुर्गे, ये वाला जो है ब्लैक वाला, ये वाला जवान हो गया फिर भी, तो मैं सोच रहा हूँ भाई से पूछ के ना इसको इसके साथ डाल दूंगा, ताकि अंडे वगैरह तो आए यार, हमारे अंडे बंद हो गए मुर्गियों के आना, और अब तो सीज़न है यार सर्दियों का, इसमें तो आने चाहिए लाजमी। बाकी भाई अब जो है ना, मैं अपने सुल्तान को खोलने वाला हूँ, और मैं भाई डंडा लूँ सबसे पहले, तो तुम इधर आओ, मैंने इसके लिए रख लिया ये डंडा। तो यार इसको खोल के मैं जल्दी से हटूँगा दोस्तों, और ये देखो यार अभी से कैसा हो रहा है, देख रहे हो, चलो आ जाओ भाई आ जाओ, मैं इसको खोल दूँ, नहीं तो मेरे से लड़ेगा यार, अरे खुल जा भाई, ये देखो यार कैसे लड़ने आ रहा है। तो भाई सुल्तान और उसकी बीवी को हमने खोल दिया है, और यार दोस्तों ये बहुत ख़तरनाक हो गया और भी ज़्यादा, लेकिन हमने इसको नीचे रख दिया है, इससे ना मैं डंडे से डरा डरा के इसको अंदर ले जाता हूँ, लड़ता रहता है छलांगे मार मार के, खुद अंदर चले जाता है, तो इसलिए ना अब थोड़ा सेफ हो गया आपका भाई। तो यार अब मैं तुम लोगों को वो चीज़ बताता चलूँ, जिस चीज़ के बारे में बता रहा था कि मैं बहुत खुश हूँ, और एक तरीके से सरप्राइज़ क्या, वो एक तरीके से एक छोटी सी खुशी है हमारे लिए यार, आप लोग भी खुश हो गए। वैसे भाई सुल्तान जो है वाइफ के साथ पानी पी रहे हैं वहाँ पे, और मैंने डंडा साथ ही रखा हुआ है कि सुल्तान अगर हमला करे तो एकदम से हम इसको थोड़ा सा डरा सके यार डंडे से, वरना मारता है मुझे बहुत, तुम लोगों ने देखा है इसको। खैर से दोस्तों, तो हमारे जो यार ये वाले कबूतर है ना, उन्होंने फाइनली अंडा दे दिया है भाई, तो एक अंडा दिया था इन्होंने, और उसके बाद एक और अंडा 2 दिन बाद दिया, जब मैं वीडियोस बना रहा था वापसी बनाने शुरू करी, तो उन्हीं के बीच में अभी जो वीडियो नहीं बनाई ना 2 दिन में दिया है इसने, तो माशाल्लाह से दोस्तों। हमने क्या करा यार, एक और चीज़ बताऊँ, हमने जो है ना ये देखे बैठा हुआ यार, तुम दिखाओगे अंडे, एक मिनट रुको मेरे को ये वाला खोलना पड़ेगा। तो भाई ये देखें, इसने 2 अंडे दिए हैं, ओ भाई ये तो कुड़क हो गया अभी से। ये देखें दोस्तों, इसके पता नहीं नीचे दिखे ना दिखे, मैं उठा के अगर दिखा सकूं, वो देखें
ये देखें भाई, तो यार ये अंडों पे फाइनली बैठ चुकी है और ये रहे इसके दोनों अंडे। ये देखें, एक ये रखा हुआ एक आगे दोस्तों। तो भाई ये अंडे आप लोगों को साइज में जो है थोड़े बड़े लग रहे होंगे, तो वो अंडे जो है ना इसके नहीं है, ये अंडे जो है हमारे ब्लैक बफ के हैं इसके, क्योंकि इसके अंडे जो है दोस्तों फर्टाइल आए जा रहे हैं। और ये जो कबूतर अपने अंडे देते हैं ना, उनमें से बच्चे निकालते हैं और अक्सर हमारे पास कबूतर के बच्चे मरे जा रहे हैं, तो इस वजह से हमने जो है ना इसके नीचे बफ के अंडे रख दिए हैं। खुशी इस बात की कि इन्होंने अंडे दे दिए यार, ये अच्छी बात है। और ये इनक्यूबेट भी बहुत अच्छे तरीके से कर रही है यार हमारे अंडों को। तो देखते हैं यार दोस्तों कि इसके अंडों में से हमारे पास बच्चे पहले आते हैं या फिर ये जो है हमारे दूसरे वाले कबूतर, जिनका नाम यार मैं सच बताऊँ ना मैं थोड़ा सा घबरा रहा हूँ, क्योंकि सुल्तान को देखें आप मेरे पीछे, ये वो रहा, वो देखें पीछे दिख रहा होगा, तो मुझे डर लग रहा है ये एकदम से हमला ना कर दे मेरे पे आके, क्योंकि है ना फौरन आता है और पैर जो है ना उन पर लपक जाता है कि और मारता बड़ा गंदा, तो मुझे थोड़ा डर लग रहा है साफ पत यार। तो यार ये देखें दोस्तों, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इनके नीचे भी हमने जो है अपने ब्लैक बफ के अंडे रखे हुए हैं। तो देखते हैं दोनों में से सबसे पहले कौन बच्चे निकालता है। खैर से इनको तो रखे हुए टाइम हो गया, तो इनके निकल जाने चाहिए, पर देखना हमने मेन ये है कि कौन बच्चे निकालता है पहले, नहीं किसके निकलते हैं, निकालते हैं या नहीं निकालते हैं। तो दुआ करो यार कि हमारे पास बच्चे आ जाएं यार, इस मरतबा आ जाएं बफ के बच्चे, बहुत टाइम हो गया यार, कब से हमारे पास बच्चे ही नहीं आके दे रहे किसी चीज़। तो यार मैंने जो है दोस्तों वो लकी पिजन को खोल लिया है। तुम लोगों को मैंने बताया था कि मैं इसकी जो है ट्रेनिंग करता रहता हूँ, तो इस वजह से मैंने इसको खोल के ना कंधे पे बैठाना शुरू कर दिया। अभी इसके पर इतने नहीं है, उड़ाऊंगा तो ये नीचे गिर रहा है, तो अभी कोई डर नहीं है इसका। लेकिन ये चीलों का हमें ख्याल रखना पड़ता है कि अल्लाह ना करे इस पर कोई चील हमला ना कर दे ऐसे, इसलिए मैं बहुत कम बाहर निकलता हूँ। ज़्यादा कबूतर हों उनको एक साथ छोड़ें तो इसको कुछ भी नहीं हो सकता, फिर ये सेफ़ है। खैर से यार एक चीज़ मैं तुम लोगों को बताता चलूँ दोस्तों, कि हमारे पास ना एक चीज़ आने वाली है कल या फिर शायद आज रात में आ जाए, बहुत प्यारी चीज़ है, बहुत खूबसूरत ज़बरदस्त। एक हिंट दे देता हूँ कि यार वो परिंदा नहीं है, ना कबूतर है ना मुर्गा है, वो परिंदा नहीं है। वो क्या चीज़ है वो तो तुम लोग को अब देखने पे ही पता चलेगा। कहाँ जा रहे हो? तो तुम लोग को देखने पे पता चलेगा, तो कल का व्लॉग बहुत ज़बरदस्त होगा। वो क्या चीज़ हम ला रहे हैं, सेटअप पर लाएंगे डायरेक्ट, पर खैर अब ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहा, तो तुम लोगों को कल ही देखने को मिलेगी। तो कल का व्लॉग लाजमी देखना और इस व्लॉग को अभी लाइक कर दो, ठीक है? चलो 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 जल्दी अंदर जाओ दोनों, चलो छोटा डॉन छोटे डॉन, तुमने भी अंडे बंद कर दिए हैं, मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा तुम पे। तो यार अब जो है लास्ट हमारा रह गया सिर्फ एक, और वो है हमारे बड़े वाला मुर्गा, जो कि देने का है, जो हमारा नहीं है भाई, किसी और का है। तो खैर इसके साथ यार हमने कंदारी लगाई हुई है, मैं बता चुका हूँ तुम लोगों को, तो इसको मैं खोलता हूँ अब। चलो भाई, अरे खुल जाए, चाओ। तो यार इसके आप लोग ना फ्लाई देखना, जंप, ओह ये जब ये कूदता है ना तो इतनी शदीद आवाज़ आती है थम करके। खैर से ये इनके पाँवों के लिए नुकसानदेह होती है, ये तो मैंने सिर्फ अभी दिखाई है, वरना मैं इसको पकड़ के उतारता हूँ भाई हर मरतबा। मुर्गों को ज़्यादा ऊंचाई से मत कूदने दिया करें, मुर्गे मुर्गियों को, और भारी जो ना उसको तो बिल्कुल भी नहीं, वरना पाँव में ना तरी आ सकती है, ये मैं पहले ही बताऊँ। तो यार मगरिब हो गई है दोस्तों, तकरीबन होने वाली है, और हमारा जो बड़े वाला मुर्गा है ना वो सुल्तान से नोक झोंक चल रही है उसकी। और यार सुल्तान की भी तुम लोगों को मैंने रिपोर्ट देनी थी, वो क्या रिपोर्ट है वो मैं कल के व्लॉग में तुम लोगों को बताऊंगा, या शायद परसों, नहीं बल्कि कल के व्लॉग में बता दूंगा क्या सीन था। खैर से दोस्तों कैसे लगे तुम लोग आज का व्लॉग, तो अगर हमारा आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल घर में शॉप को लाजमी सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल नए टॉपिक नए व्लॉग के साथ, अभी के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय। तो चलो यार इसको बंद करूँ मैं बड़े वाले को, और इसकी मुर्गी जो है कहीं ना कहीं घूम रही होगी, कहाँ है वो देखें, वो रही कोने पे, वो मैंने दाना भिगोया हुआ, और वो देखें वहाँ पे ना वाला दाना खा रही है इसको छोड़ के, ये इनकी हरकतें हैं।